हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सुंदर और इजी नेक डिज़ाइन है ये। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो बोट नेक का ही आपको मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल लेंथ रखेंगे, तो जितनी भी आपको तैयार रखनी है लंबाई उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच और 34 साइज में बोट नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर रखने हैं 7 इंच। यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल लेने हैं 7 इंच, शोल्डर एंड आर्म होल रखेंगे 7 इंच। अब हमने चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। 34 साइज का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। 1/2 इंच हमने शोल्डर को डाउन रखना है। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब हमने इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये पट्टी मैं कमर के लिए कटिंग कर रही हूँ। अब हमने बैक पार्ट को मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेनी है। अब हमने गले का मेजरमेंट रखना है, तो गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं इसमें 4 इंच की। ये देखिए, शोल्डर जो डाउन किया था वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। ऊपर से गले की जो लेंथ है वो रखेंगे हम 3 इंच और टोटल लंबाई ले लीजिएगा। तो ये टोटल लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने 11.5 इंच पर मार्क किया है और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच की। इस तरीके से पहले एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर एक छोटा गला बनाएंगे बोट नेक के लिए। बोट नेक का शेप देते हुए नेक को ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ से देखिए, नीचे जो मार्किंग किया है उसका सेंटर पार्ट कर लीजिएगा डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए और फिर कुछ इस तरीके से आपको शेप दे देना है। ये देखिए, ऊपर और नीचे से शेप एक जैसा आना चाहिए। अब हमने पेपर पेस्टिंग लेना है, इसे डबल फोल्ड करते हुए क्रीज बना लेंगे। क्रीज के हाथ से सेंटर से हमने इसे रख लेना है और पिन लगा देनी है। अब हमें जो नीचे की तरफ नेक दिख रहा है उसी नेक पे हमने मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से गले को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करेंगे। अब हमने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर देना है और जो नीचे मार्किंग हमें दिख रही है उसी मार्किंग के ऊपर हमने दोबारा से मार्किंग कर लेनी है। बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग मैंने यहाँ पर लिया है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। तो ये गले का पैटर्न हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास ये नहीं होता है पेपर पेस्टिंग, तो फिर आप गले को कटिंग करके सिलाई लगाकर पलटा कर भी बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग और अस्तर के कपड़े के ऊपर सेंटर कट से सेंटर कट मिलाते हुए हमें आप इसे पहले प्रेस से चिप कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इसे प्रेस से चिपका लिया था और अब मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पर। सेंटर में एक मार्किंग करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा गैप छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट बनाना है कॉर्नर्स निकालने के लिए। अब देखिए, फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो मार्किंग हमने की हुई है चौक से, मार्किंग के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे। मशीन के टाके को छोटा रखेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। बीच में से फैब्रिक को कट करेंगे और दोनों तरफ से इस तरीके से कटिंग करना है। गले के जो दोनों पैटर्न निकलेंगे इन्हें आपको फेंकना नहीं है, इसी से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो दोनों पैटर्न को साइड में रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं।
इस तरीके से पूरे ही नेक पे कट लगाएंगे। कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप पूरे ही नेक पे कट अच्छे से ज़रूर लगाएं। कट लगाने के बाद अब हमने गले को पलट के सीधा करना है। तो इसका जो कॉर्नर से दोनों तरफ के वो आपको अच्छे से निकाल लेने हैं। कैची की नोक से आप इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये इजीली बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अच्छे से इसे पलट के सीधा कर लेना है हमें फिनिशिंग के साथ। और हाथों से आप गले को बैठा लीजिएगा इस तरीके से फिनिशिंग से, या फिर आप प्रेस भी इस पर कर सकते हैं। तो देखिए, गले पे फिनिशिंग आ गई है। इसके बाद में एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक यहाँ पर देखिए इसके गले के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर देना है। नेक के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए, और सिलाई लगाकर इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, तो अस्तर के बराबर से इसे पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए, बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने ऊपर जो नेक है यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ, अस्तर पे बराबर लग जाती है। तो देखिए, मैंने इसे पैक कर दिया है ताकि ये बिल्कुल बराबर रहे। अब हमने सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करना है यहाँ पर बैक पार्ट को, और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। दोनों ही तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, अब एक सिलाई कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दिया है मैंने। और अब इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, एक मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच की, 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी को लिया है। और पट्टी को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पट्टी को तैयार कर लिया है। इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। लगभग आपको 1.5 इंच की लेंथ में इन्हें कट कर लेना है इस तरीके से। ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए, पैटर्न हमने तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें अटैच करेंगे। गले के यहाँ से थोड़ा सा गेप छोड़ते हुए हमें अटैच करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम एक डिज़ाइन बनाकर लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न आपको देखिए पट्टियों को बाहर की तरफ दिखाते हुए, बाकी पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए पूरे ही नेक पे इसी तरीके से इन्हें लगाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। बीच में हमें थोड़ा थोड़ा गेप छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि इस तरीके से लगाना है हमें। यहाँ पर जो गैप है वहाँ पर हमने मोती स्टिच करने हैं सुई धागे से। और इसके बाद देखिए, अगर आप नेक को सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने साड़ी या ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो लेस हमें इस तरीके से अटैच कर देनी है, और लेस में नीचे कमर पर भी अटैच करूँगी। ये देखिए, नीचे कमर पे भी हमने लेस को इस तरीके से लगा लेना है।
लेस लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए हमने ये जो गले का पैटर्न निकाला था तो इसे हमें लेंथ में 3 इंच पे माप लेना है इस तरीके से। ये मार्किंग करने के बाद इसे बिल्कुल गोलाई में हमें कट कर देना है और नीचे पैटर्न को सीधा रखेंगे। इसके बाद एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने पूरा इसे गोलाई में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा देने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं और इसके बाद पैटर्न के सेंटर में एक कट लगाएंगे, इसे पलट के सीधा कर लेंगे। हाथों के साथ इसे आपको अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है इस तरीके से। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे और सेंटर से इसे स्टिच कर लेंगे। तो सेंटर में हमें इस तरीके से इसे रख लेना है और अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो ये पैटर्न इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो ऊपर वाले नेक में से छोटे छोटे पैटर्न निकले थे इन्हें भी हमें इस तरीके से यहाँ पर गोलाई में कट कर लेना है। 2 पैटर्न आ गए हैं, इन्हें मेन कपड़े के साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये इसके नीचे लगाने के लिए लटकन तैयार हो जाएगी। इसे फोल्ड करते हुए हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसके नीचे लेस भी अटैच कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इसे सेंटर से रखेंगे और स्टिच कर देंगे। अच्छे से आपको पक्का कर देना है, सिलाई के बिल्कुल पास से इसे कट कर लेंगे और ये पैटर्न देखिए कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ का पैटर्न भी हमें इसी तरीके से रखना है और लेंथ आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप जितनी भी रखना चाहें डोरी की उस हिसाब से इसे तैयार करें। तो ये एक पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे मशीन से। फिर इसे ऊपर से इस तरीके से रखते हुए हमने यहाँ पर भी स्टिच कर देना है। तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं बो का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए अब आप इसे नीचे अटैच कर सकते हैं या गले के ऊपर वाले भाग पर इसे अटैच कर सकते हैं। मैंने इसे ऊपर इस पैटर्न को ऊपर की तरफ स्टिच किया है और अब हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको मोती स्टिच कर देने हैं। देखिए ये जो गैप हमने छोड़ी थी यहाँ पर पूरे पे मैंने मोती स्टिच कर दिए हैं और ब्लाउज का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।